दोस्तों फिर से हम आ चुके एक और बेसिकली इंटरेस्टिंग वीडियो को लेकर। आज की वीडियो बेसिकली पोकेमोन यूनाइट से रिलेटेड ही होने वाली है, ठीक है। आपने टाइटल और थंबनेल पर देख लेगा किस टॉपिक से रिलेटेड बेसिकली आज की वीडियो होने वाली है, ठीक है। कि आप अपना बेसिकली जो डाटा है वो कैसे ट्रांसफर कर सकते हो, तो ट्रांसफर मतलब कि अपना जो लॉस्ट डाटा है, ठीक है। अगर आप पहले पोकेमोन खेलते थे, आपने बेसिकली अपने कुछ टाइम के डिलीट कर दी, अपना लॉस्ट डाटा बेसिकली कैसे रिकवर कर सकते हो, या फिर अपना बेसिकली जो डाटा है उसको कैसे जो है ट्रांसफर कर सकते हो, आपको कुछ यहाँ पे जो स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। अगर आपने बेसिकली वो ट्रिक कर रखी होगी, अगर आपने वो बेसिकली ऑप्शन को इनेबल कर रखा होगा, तभी बेसिकली अपने जो डाटा जो आप उसको ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे जो रिकवर कर सकते हो, अगर आपने वो ऑप्शन मेथड फॉलो नहीं कर रखा होगा, तब बेसिकली आपका जो पुराना डाटा वो ऑब्वियसली बात है वो लॉस हो जाएगा। तो क्या वो बेसिकली टिप्स हैं, क्या वो बेसिकली ट्रिक्स हैं, क्या वो बेसिकली ऑप्शन हैं जिसको कि आपको अनेबल करके रखना होता है अपने पोकेमोन यूनाइट के अंदर, जिससे कि आप बेसिकली अपना डाटा जो ट्रांसफर कर सकते हो, अपने डाटा जो रिकवर कर सकते हो वापस से, ठीक है। अगर आप एक बार बेसिकली गेम को अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल करते हो तो आपका डाटा कहीं नहीं जाने वाला, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली, तो वीडियो को ऑब्वियसली होता है स्टार्ट करने से पहले लाइक कर देना है, लाइक कर देने के बाद आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है। क्योंकि इस तरह से बेसिकली लेटेस्ट रिलेटेड गेम को गेम प्ले वगैरह कंटेंट आपको देखने को मिलता रहेगा, ठीक है। और तो फटाफट से क्या करते हैं, वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि वो कौन सा ऐसा ट्रिक है, वो कौन सा ऐसा मेथड है जिससे कि अपने डाटा को जब ट्रांसफर कर सकते हो, अपने डाटा को बेसिकली जो रिकवर कर सकते हो। अगर आपने एक बार बेसिकली गेम को अनइंस्टॉल कर दिया, उसको इंस्टॉल करने के बाद आपका पुराना डाटा कैसे आपको देखने को मिलेगा वापस, ठीक है। तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर से देखना, अगर आपने एक भी स्टेप मिस किया तो आप कुछ यहाँ पे जो 110% मिस करने वाले हो, ठीक है। तो फटाफट से चलते हैं वीडियो की तरफ। तो यहाँ पर दोस्तों देखो, अपने डाटा को रिकवर करने के लिए बेसिकली अपना जो आपको बेसिकली पुराना रहता है, सपोज मेरी जो ये जो मेरी आईडी है, ठीक है, टॉक्सिक वंश वाली आईडी, जो मेरा 40 लेवल वाली आईडी है, ठीक है, सपोज मैं इसको बेसिकली इस गेम को जो डिलीट करता हूँ, ऑब्वियसली बात है मेरी आईडी भी यहाँ पे जो डिलीट हो जाएगी। बट अगर मैं एक दो दिन वापस बाद बेसिकली यहाँ पे जो एप्लीकेशन को जो है पोकेमोन यूनाइट को जो इंस्टॉल करता हूँ, तो मैं अपने जो पुरानी वाली आईडी है, पुराना वाला डाटा कैसे वापस से जो अपने नए अकाउंट के अंदर बेसिकली नई जो गेम इंस्टॉल करूँगा उसके अंदर कैसे रिकवर कर पाऊंगा, कैसे जो ट्रांसफर कर पाऊंगा और कैसे वापस ले, ठीक है। तो उसी के बारे में बेसिकली वीडियो नहीं है, उसके लिए आपको सिंपल से कुछ करना है, पहले आप एक स्टेप फॉलो करना पड़ेगा, तभी बेसिकली आपका जो पुराना डाटा है वो वापस आपको मिल पाएगा वापस। वो क्या करना है, सिंपल से देखो, सबसे पहले आपको अपनी प्रोफाइल पे क्लिक करना है। जैसे ही प्रोफाइल पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आपको देखने को मिलता है सेटिंग्स का, ठीक है। आपको सिंपल से कुछ करना, सबसे पहले सेटिंग्स के अंदर जाना है। जैसे सेटिंग्स के अंदर जाओगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको देखने को मिलता है अकाउंट सेटिंग्स का, बॉटम में लेफ्ट साइड में, वहां पे क्लिक करना है। जैसे ही वहां पे क्लिक करोगे तो सबसे पहली बात, यहाँ पे आपको पोकेमोन ट्रेनर क्लब की आईडी बनानी पड़ेगी, ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। सिंपल से आपको पोकेमोन ट्रेनर आईडी क्लब पे क्लिक करना है। जैसे ही वहां पे क्लिक करोगे तो यहां पे आपको एक आईडी बेसिकली क्रिएट करने को बोलेगा, और इसी आईडी के थ्रू अपना बेसिकली जो पुराना वाला डाटा है, ठीक है, सपोज आपने आईडी यहां पे क्रिएट कर ली, उसके बाद सपोज एप्लीकेशन को आपने अनइंस्टॉल कर दिया, पोकेमोन यूनाइट को अनइंस्टॉल कर दिया, ठीक है। अब वापस जब इंस्टॉल करोगे तो आपका जो डाटा है वापस आपको देखने को मिल जाएगा, वापस आप रिकवर कर पाओगे, वापस से आप ट्रांसफर कर पाओगे ओल्ड वाला डाटा, ठीक है। तो इसके लिए आपको पोकेमोन ट्रेनर क्लब की आईडी बनानी पड़ेगी, उसके बाद बेसिकली फेसबुक से लिंक होगा आपका और गूगल से लिंक होगा। जैसे कि आप देख सकते हो फेसबुक के सामने बेसिकली मेरा लिंक का ऑप्शन आ रहा है, गूगल के सामने भी आ रहा है, पोकेमोन ट्रेनर क्लब के सामने भी आ रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे जो तीनों की आईडी मेंटेन कर रखी है बेसिकली बना रखी है। अब पोकेमोन ट्रेनर क्लब आईडी बनाने के लिए सिंपल से कुछ नहीं करना, पोकेमोन ट्रेनर क्लब पे क्लिक कर देना है। तो सिंपल से आपको जो अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे आपको जेंडर नेम वगैरह पूछा जाएगा, ईमेल एड्रेस वगैरह पूछा जाएगा, ठीक है। सिंपल से अपना जो आपको यहाँ पे जो पोकेमोन ट्रेनर क्लब के अंदर जाके जो आपको अपना अकाउंट जहाँ पे क्रिएट कर लेना, और एक ईमेल भी पूछ जाएगी, ईमेल वेरिफिकेशन के लिए बेसिकली वैलिड ईमेल डालना, क्योंकि बेसिकली वहाँ पे जो भी अपनी ईमेल डालोगे रजिस्टर करते समय उसके ऊपर एक वेरिफिकेशन यहाँ पे प्रोसेस होगा। सिंपल से वेरीफाई ईमेल कर दोगे तभी बेसिकली आप लॉगिन कर पाओगे, ठीक है। और जो भी यूजर नेम से आप रजिस्टर करोगे, ध्यान रखना उसी से आपको लॉगिन करना है, बस इतना करना है। आपको यहाँ पे पोकेमोन ट्रेनर क्लब के अंदर आना है, सेटिंग्स के अंदर आके पोकेमोन ट्रेनर क्लब की एक आईडी क्रिएट कर लेनी है, फ्री है, कोई यहाँ पे चार्जेस नहीं लगते। जैसे ही अपनी आईडी क्रिएट कर लोगे, लॉगिन कर लोगे, आपको यहाँ पे इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, जैसे कि आप देख सो लिंक का, ठीक है। आपको सिंपल से कुछ नहीं करना, अगर आप यही लिंक करके रखते हो ना, सिर्फ अगर पोकेमोन ट्रेनर क्लब की आईडी भी सिर्फ लिंक करके रखते हो अपनी पोकेमोन यूनाइट से, ठीक है, तो आपको बेसिकली यहाँ पे फेसबुक की आईडी और गूगल की आईडी लॉगिन करने की जरूरत नहीं है, बेसिकली लिंक करने की जरूरत नहीं है। आपका सिर्फ पोकेमोन ट्रेनर क्लब आईडी से आपका अकाउंट जो वापस आ जाएगा, आपका डाटा जो रिस्टोर हो जाएगा। वो कैसे, सिंपल से देखो, ठीक है। अब मैं कहता हूँ, अब मैं इस एप्लीकेशन को जो अपनी पोकेमोन यूनाइट को जो अनइंस्टॉल कर दूंगा, ठीक है, आपको मैं प्रूफ करके दिखाने ही वाला हूँ। जब आप दो तीन दिन बाद अगर सपोज आपने यहाँ पे जो एप्लीकेशन को वापस से रीइंस्टॉल किया, आपने स्टार्टिंग में पोकेमोन ट्रेनर क्लब की आईडी यहाँ पे जो लॉगिन कर दी थी, कनेक्ट कर दी थी, अब उसके बाद आपने वापस अपना डाटा कैसे रिस्टोर कर सकते हो इस यहाँ पे जो मदद से, इसकी मदद से, ठीक है, वो भी मैं आपको प्रूफ आपको करके दिखाने वाला हूँ। तो सिंपल से पहले मैं इस गेम को जो अनइंस्टॉल करके वापस से इंस्टॉल करता हूँ, और फिर से एकदम फ्रेश आईडी यहाँ पे लॉगिन करके आपको दिखा दो कैसे अपना पुराना वाला डाटा
ठीक है, ये जो मेरी टॉक्सिक वंश वाली आइडिया वापस से मैं कैसे यहाँ पे जो रिश्योर करने वाला हूँ, ठीक है, इस पोकेमोन ट्रेनर क्लब आईडी की मदद से। यहाँ पे कोई मैं फेसबुक की मदद नहीं लेने वाला, ना मैं गूगल का लेने वाला हूँ, ठीक है। हालांकि मैंने लिंक दोनों का रखा है, बट फिर भी आप सिर्फ पोकेमोन ट्रेनर क्लब आईडी से यहाँ पे जो वापस ले सकते हो अपना पुराना वाला अकाउंट, ठीक है। सिंपल से सपोज मैं यहाँ पे पहले इस गेम को जो अनइंस्टॉल कर देता हूँ, तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो मैंने अपनी गेम को जो रीइंस्टॉल करी, जो स्टार्टिंग में इसके लिए जो डाउनलोड वाला प्रोसेस होता है, ठीक है, जो 55 MB 60 MB अराउंड इसके लिए जो पैक डाउनलोड होता है, वो वाले पेज पे मैं आज को, ठीक है, मैंने एक तरह से अपनी एप्लीकेशन का जो क्लियर डाटा कर दिया, रीइंस्टॉल कर दिया एप्लीकेशन को, ठीक है। अब बेसिकली यहाँ पे जैसा कि आप देख सो, अब डाउनलोड वाले प्रोसेस पे मैं आज को, ये जैसी कंप्लीट होगा मेरी गेम एक तरह से बेसिकली फ्रेश तरह से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। मैं आपको पुरानी वाली आईडी, ठीक है, जब बेसिकली अपनी जो टॉक्सिक वंश वाली आईडी मैं वापस आपको लॉगिन करके यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। दोस्तों ये बात ध्यान में रखना, अगर आपने पोकेमोन ट्रेनर क्लब की आईडी नहीं नहीं होगी तो आपका अकाउंट वापस से रिस्टोर नहीं होगा, आपका अकाउंट बेसिकली यहाँ पे वापस से ट्रांसफर नहीं होगा, बेसिकली आपका डाटा ट्रांसफर नहीं होगा, तो ध्यान में रखना इस बात को, ठीक है। यहाँ पर सिंपल से मैं इंग्लिश अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करता हूँ, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर सिंपल से कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं, इनको यहाँ पे अप्लाई करने का होता है, सिंपल से क्लिक करके यहाँ पे एग्री कर सकते हो, ठीक है। तो सिंपल से मैं इनको भी यहाँ पे एग्री करके यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे बेसिकली आपका डेट ऑफ बर्थ पूछा जाता है, ठीक है। तो टेंशन मत लो, ये सारी चीज़ आपसे फिर भी पूछी जाती है, अगर आपने बेसिकली अपना अकाउंट लिंक कर रखा है तो कोई इसके अंदर दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। जब आपको स्टार्टिंग जो फॉर्म एक तरह से फिल करना पड़ता है, ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हो मैंने अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे फिल कर दी है। उसके बाद मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ओके पे क्लिक करता हूँ। ओके पे क्लिक करने के बाद अब दोस्तों यहाँ पे ध्यान में रखना, ठीक है, ये भी दो ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं, क्रिएट अकाउंट और ट्रांसफर एक्सेस टू डाटा, ठीक है। आपको सिंपल से ट्रांसफर एक्सेस टू डाटा पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ सबसे पूछेगा Nintendo का अकाउंट का, फिर फेसबुक से, फिर गूगल से, फिर पोकेमोन ट्रेनर क्लब से, ठीक है। आपको सिंपल से पोकेमोन ट्रेनर क्लब पे क्लिक करना है। जैसे पोकेमोन ट्रेनर क्लब पे क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह का पेज आ जाएगा, ठीक है, जो आपने अकाउंट क्रिएट करा होगा, ठीक है, जिस भी यूजर नेम से आपने अकाउंट क्रिएट कर रखा हो और जो भी अपने पासवर्ड डाल के क्रिएट करा होगा, तो सिंपल से आपको वही यूजर नेम अब यहाँ पे डाल के, जो आपको पासवर्ड डाल के सिंपल से लॉगिन करना है, ठीक है। जैसे मेरे केस में बेसिकली जो मेरा यूजर नेम था वो ये था, ठीक है, वंश लानी बेसिकली मेरा यूजर नेम था। उसके बाद यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड पहले डालता हूँ, ठीक है, अपना पहले पासवर्ड डालता हूँ और आपके सामने बेसिकली लाइव लॉगिन आपको करके यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। तो बेसिकली जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने वापस से गेम रीएंटर हो गए, बेसिकली आप गेम के अंदर वापस रीएंटर हो गए जैसे आप लॉगिन पे क्लिक करोगे, ठीक है। आपके सामने इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा, सिंपल से उसको ओके पे क्लिक कर देना। जैसे ओके पे क्लिक करोगे, यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक कर देना। जैसे ही स्टार्ट पे क्लिक करोगे आपके सामने लोडिंग होगी, वही बेसिकली गेम का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये मैं आपको इसलिए करके दिखा रहा हूँ क्योंकि बहुत लोगों जो अपना अकाउंट जो एक्सेस करने में, अपने डाटा को ट्रांसफर करने में इशू आ रहा है, उनको नहीं पता कैसे करना है, ठीक है। बहुत लोगों को बेसिकली फेसबुक से इशू आ रहा है, बहुत लोगों को गूगल से इशू आ रहा है, वो लिंक करते हैं बट फिर भी नहीं हो रहा, ठीक है। तो इसके लिए आपको पहले पोकेमोन ट्रेनर क्लब की आईडी मैंडेटरी बनाना, तभी बेसिकली अपना अकाउंट यहाँ पे जो लिंक करवाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे सिंपल सा गया, ट्रांसफर एक्सेस टू फॉलोइंग सेव डाटा टू कंटिन्यू प्लेइंग ट्रेनर द टॉक्सिक वन, जैसे कि आप देख सो मेरी पुरानी वाली आईडी। सिंपल से आपको ओके पे क्लिक कर देना। जैसे ओके पे क्लिक करोगे यहाँ पे जो डाटा है यहाँ पे जो डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा लेफ्ट साइड बॉटम में, इसको डाउनलोड होने देते हैं। मैं आपको इसलिए अपनी पहले आईडी दिखाता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो ये मेरी आपको यहाँ पे जो आईडी आपको देखने को मिल जाती है। सिंपल से पहले मैं जाके जो ऑडियो में आवाज़ कम करता हूँ, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो मेरी टॉक्सिक वंश वाली आईडी है, ठीक है। यहाँ पे कोई बेसिकली यहाँ पे कोई चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलते। और यहाँ पर अगर आप सेटिंग्स के अंदर जाओगे, अकाउंट सेटिंग्स के अंदर जाओगे, तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो पोकेमोन ट्रेनर क्लब की आईडी, गूगल की आईडी, फेसबुक की आईडी, तीनों की आईडी यहाँ पे जो ऑलरेडी लिंक है, मेरा पुराना वाला अकाउंट जो वापस यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। तो आपको इस तरह से बेसिकली अपना पुराना वाला अकाउंट का जो डाटा है वो वापस से रिस्टोर करना, अगर आप एक बार एप्लीकेशन को रीइंस्टॉल करते हो या फिर अपने डाटा अकाउंट वापस है जो आपको रिस्टोर करना चाहते हो फिर एक्सेस करना चाहते हो, तो ये वाला मेथड आपको करना पड़ेगा, ठीक है। बहुत लोग गूगल से डायरेक्ट लिंक करते हैं, उनकी आईडी लिंक नहीं होती, फेसबुक से लिंक करते हैं, उनकी आईडी लिंक नहीं होती। अगर लिंक हो भी जाती है तो उनका जो अपना पुराना वाला डाटा है जो मैंने आपको करके बताया वापस से रिस्टोर नहीं हो पाता, उनको ऑप्शन ही नहीं आता कि आपका बेसिकली ये वाला लेवल था, ये वाली आपकी आईडी थी, ठीक है। उसके लिए आपको मैंडेटरी है कि आपको पहले पोकेमोन ट्रेनर क्लब की आईडी बनानी पड़ेगी, तभी जाके बेसिकली आपका पुराना वाला डाटा प्लस फेसबुक और गूगल से लिंक कर पाओगे अपनी गेम को, ठीक है। तो सिंपल से बस आज की वीडियो इतनी थी। बताना दोस्तों आपको यहाँ पे कैसी लगी, थोड़ी इन्फॉर्मेटिव टाइप की वीडियो थी, बहुत लोगों को बेसिकली इशू आता, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना दूँ, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों फिर ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में अगली बार आपसे। तब तक के लिए गुड बाय, स्टे सेफ, स्टे सैनिटाइज, और ज़्यादा बेसिकली घर से बाहर मत निकलो, हमारी वीडियो देखो, चिल करो, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसी कौन सी वीडियो में अगली बार आपसे। जो बच्चे ने क्वेश्चन मेरे को बजा सर पूछा गया था x² / yz, तो ऐसे सवालों को करने के लिए देखिए एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए।